अस्सलाम वालेकुम मिस्टीरियस सन की मिस्टीरियस आर्मी। आज हम लोग करने वाले हैं रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड और आयरन सल्फाइड के साथ। आज हम बनाएंगे हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जो कि बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक है, तो प्लीज़ ये एक्सपेरिमेंट घर पे ट्राई नहीं कीजिएगा। तो इस बीकर में हमारे पास मौजूद है HCl और अब हम लेंगे एक छोटा सा टुकड़ा आयरन सल्फाइड का, ये जैसा कि है, और हमने इसको इसमें डाल दिया। अभी थोड़ी देर में रिएक्शन शुरू हो जाएगा, इस रिएक्शन को एंजॉय करें और प्लीज़ इसको घर पर ट्राई ना कीजिए। ये थोड़ी देर में स्टार्ट होगा, देखें इसमें से कितने अच्छे बबल्स निकलेंगे। अभी देखें ये येलोइश कलर देना शुरू हो गया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिएक्शन है देखने में, मगर इसके अंदर से हाइड्रोजन सल्फाइड निकलती है जो कि टॉक्सिक भी है और उसकी स्मेल भी बहुत गंदी है, तो प्लीज़ इसे ट्राई ना कीजिए। जैसा कि आप देख ही सक रहे हैं कि इसके अंदर निकलना शुरू हो गए हैं बबल्स, ये हाइड्रोजन सल्फाइड के बबल्स हैं। ये देखें अचानक से काफ़ी ज़्यादा स्पीड पकड़ी इसने रिएक्शन ने, तो अब इंजॉय कीजिए रिएक्शन। Thank you.
भाई लोग यूँ कि जो हमने आयरन सल्फाइड का टुकड़ा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर डाला था वो काफ़ी हद तक जो है वो उसके अंदर से हाइड्रोजन सल्फाइड गैस निकल आई और आयरन क्लोराइड के क्रिस्टल्स ने बनाना शुरू कर दिए। हालांकि सोल्यूशन का कलर बिल्कुल येलो से तब्दील होकर ब्राउन तक पहुँच गया है, मगर इसमें से हाइड्रोजन सल्फाइड गैस कंटिन्यूसली निकल रही है। तो हम इसको थोड़ी देर और छोड़ेंगे और उसके बाद देखते हैं कि हाइड्रोजन सल्फाइड निकलना बंद होती है कि नहीं। तो 10 मिनट छोड़ने के बाद हमने देखा कि इसका कलर जो है थोड़ा सा और डार्क होने लग गया, ब्राउन शेड में आने लग गया, ब्राउनिश येलो। तो अभी भी मगर हाइड्रोजन सल्फाइड गैस निकलना बंद नहीं हुई। अब इसको कुछ देर और छोड़ेंगे कि पूरी तरीके से हाइड्रोजन सल्फाइड गैस निकलना बंद हो जाए। हाँ, अलबत्ता इसमें थोड़ी सी सैचुरेशन आ गई है और ये गाढ़ा होना शुरू हो गया है, और मगर इसके अंदर अभी तक हाइड्रोजन सल्फाइड गैस निकलना बंद नहीं हुई, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो 10 मिनट हमने इसको और छोड़ लिया, मगर अभी तक इसमें कोई अता पता नहीं है, यानी कि कोई हाइड्रोजन सल्फाइड गैस रुकने का नाम नहीं ले रही। इसीलिए 15 से 20 मिनट हमने इसको और छोड़ने का फ़ैसला किया। इसके ऊपर हमने एक टेम्परेरी ढक्कन दिया था, उसके ऊपर काफ़ी हद तक नमी आ चुकी है जहाँ तक हमने उसको इसके ऊपर रखा हुआ था हमारे बीकर के ऊपर, तो उसके ऊपर नमी आना शुरू हो गई है। ये देखें आप, चलें अब इसको 10 मिनट छोड़ के देख लेते हैं। 10 मिनट छोड़ने के बाद अभी हमने इसको खोला है और खोलने पर हमें ये पता लगा कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस निकलना बहुत कम हो चुकी है और बहुत ज़्यादा तकरीबन काफ़ी हद तक रुक चुकी है, और आयरन सल्फाइड का जो टुकड़ा है वो भी काफ़ी हद तक इसके अंदर घुल चुका है। तो आज के लिए बस यही हमारा प्रोजेक्ट था कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस निकालें आयरन सल्फाइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मिला के। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट में ज़रूर हमें बताइएगा कि ये आपको कैसी लगी वीडियो, और अगर इन्फॉर्मेटिव थी तो शेयर भी कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।